आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक दरख्त पर 5 फल लगाना कैसे मुमकिन है, एक नया आलमी रिकॉर्ड। ये 5 फल कौन से हैं? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इदारे ने पहले ये रिकॉर्ड मुस्तरद क्यों किया था, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इराकी निजाद ऑस्ट्रेलवी शहरी हुसाम सराफ ने जाती बागीचे में एक ही पौधे पर 5 मुख्तलिफ इकसाम के फल लगाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मगर कैसे? आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसाम बहुत छोटी उम्र में अपने वालदैन के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गए थे और पिछले कई साल से वहीं मुकीम हैं। उन्होंने बताया कि बागबानी का शौक उन्हें अपने बुजुर्गों से विरसे में मिला और वो बचपन में कई कई महीने तक अपने दादा के बाग में उनका हाथ बटाते और बागबानी सीखने में वक्त गुजारते थे। वो बागबानी में कुछ अलग करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने एक पौधे पर मुख्तलिफ फल उगाने की कोशिशें शुरू कर दी। तवील मेहनत के बाद आखिरकार हसाम को कामयाबी हासिल हो गई और वो एक ही पौधे पर सुर्खो सफेद शफ्तालू, सफेद और जर्द आड़ू, सुर्खो जर्द आलूचे, पीच काट, खुबानी, बादाम और चेरी उगाने में कामयाब हो गए। वैसे तो ये 10 इकसाम के फल बनते हैं, मगर इनमें शफ्तालू और आलूचे का ताल्लुक एक ही स्पीशी के फलों से है, जबकि पीच काट अपने आप में सिर्फ 2 स्पीशी का क्रॉस है, जो अपने आप में कोई अलैदा स्पीशी शुमार नहीं होती। तमाम फलों का जायजा लेने के बाद हसाम ने एक पौधे पर 5 स्पीशीज के फल यानी आलूचा, खुबानी, बादाम, आड़ू और चेरी उगाने के आलमी रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ईमेल भेजी। जवाब में इदारे ने ये कहकर उनका दावा मुस्तरद कर दिया, इस तरह का एक रिकॉर्ड पहले ही चिली के लुई क्रास्को के नाम है, जिन्होंने एक दरख्त पर 5 स्पीशीज वाले फल उगाए थे। हसाम ने सिर्फ वो रिकॉर्ड बराबर किया है, कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनाया। हसाम ने ये जवाब देखकर क्रॉस्को के रिकॉर्ड का जायजा लिया तो मालूम हुआ इसमें आड़ू और शफ्तालू को फलों की 2 अलग अलग स्पीशी में शुमार किया गया है, हालांकि वो एक ही स्पीशी के 2 मुख्तलिफ इकसाम है। इसी दलील के साथ हसाम ने एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता किया। छानबीन के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया ने हसाम की ये दलील तस्लीम कर ली। इस तरह क्रॉस्को का रिकॉर्ड 5 से कम होकर 4 पर आ गया और एक दरख्त पर सबसे ज्यादा यानी 5 इकसाम के फल उगाने का आलमी रिकॉर्ड हसाम के नाम कर दिया गया। हसाम का कहना है कि एक दरख्त पर कई इकसाम के फल उगाकर वो नई नस्ल को एक पैगाम देना चाहते हैं कि एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होने के बावजूद हम आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं।